नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक पाँच प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इस घटक का अध्ययन करेंगे। यह घटक का भाग दो है। इस घटक में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। उन्हें मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें बुद्ध कहा गया। मानव जीवन में दुखी क्यों है? यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बिहार के गया शहर के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उस समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं और उरुवेला नामक स्थान को बोध गया कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं। इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान की, अतः इस घटना को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसे संस्कृत में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कालांतर में उन्होंने धम्म का उपदेश करने के लिए लगभग 45 वर्ष चारिका की। चारिका का अर्थ है पैदल घूमना है। उन्होंने अपना उपदेश लोक भाषा पाली में दिया। बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्पना निहित है। इस संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। उनके द्वारा व्याख्यात धम्म का सार निम्नानुसार है। आर्य सत्य। मानव जीवन के सभी व्यवहारों के मूल में चार सत्य है। इन्हें आर्य सत्य कहा गया है। दुख। मानव जीवन में दुख है। दुख का कारण होता है दुख निवारण। दुखों को समाप्त किया जा सकता है। प्रतिपद का अर्थ मार्ग है। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। यह मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो ये महान बौद्ध जो व्यक्ति है, महान हस्ती जो है, इन्होंने हमें आर्य सत्य क्या बताया कि मानव जीवन के सभी व्यवहारों का मूल में चार सत्य है। ठीक है, उन्हें आर्य सत्य कहा गया है। दुख मानव जीवन में दुख है। ठीक है, जब आप मानव जाति में जन्म लिया तो आपको दुख जरूर आएगा। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, उन्हें कुछ न कुछ दुख होता है। दुख का जितने भी दुख होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। दुख, फिर तीसरा उन्होंने क्या बताया, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा बताया है कि ये जो प्रतिपद का अर्थ है मार्ग, यानी प्रतिपद दुखों को अंत करने वाला मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। फिर उन्होंने पंचशील बताया है। गौतम बुद्ध ने पांच नियमों का पालन करने के लिए कहा है।
इन्हीं नियमों को पंचशील कहते हैं। ठीक है, हम जो महान जो ये महात्मा थे गौतम बुद्ध जी, इन्होंने पांच नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इन पांच नियमों को क्या कहते हैं? पंचशील कहते हैं। अब ये पांच नियम कौन से? प्राणियों सजीव की हत्या करने से दूर रहे। हमें किसी भी प्राणी और किसी भी सजीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चोरी करने से दूर रहे। हमें किसी की चीज चुरानी नहीं चाहिए। अनैतिक आचरण से दूर रहे। हमें कोई भी बुरा व्यवहार किसी के साथ या स्वयं का नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए। असत्य बोलने से दूर रहे। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहे। हमें कभी भी नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी ये जो पांच चीज है, अगर हम इसका पालन करते हैं तो क्या हो सकता है? हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। यानी दुखों का जो मार्ग है इन पांचों से अधिक प्राप्त होता है। अतः हम इन्हें क्या करना चाहिए? इनका पालन करना चाहिए। अपने धम्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्खुओं का संघ बनाया। गृहस्थ जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश करने वाले उनके अनुयायियों को भिक्खु कहते हैं। ठीक है, भिक्खु किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो अपना गृह त्याग देते हैं। ठीक है, यानी जो गृहस्थ जीवन है वो त्याग देते हैं और इनकी जो संघ में प्रवेश होकर इनके जो नियमों का पालन करते हैं, इनकी जो यहाँ पर जो आचरण होता है, उनके जो कार्य है उनका वो पालन करते हैं, उन्हें भिक्खु कहते हैं। बुद्ध के समान भिक्खु भी चारिका कर लोगों को धम्म का उपदेश करते हैं। ये भी क्या करते हैं? पैदल चल चल कर घूम कर क्या करते हैं? धम्म का जो प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। स्त्रियों को स्वतंत्र संघ था। ठीक है, स्त्रियों के लिए अलग प्रकार का संघ था, उन्हें भिक्कुनी कहते हैं। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के लोगों को प्रवेश था। ठीक है, इसमें भी सभी धर्मों के लिए यह प्रवेश यहाँ पर होता था। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, चार आर्य सत्यों का ज्ञान होना, सम्यक संकल्प, हिंसा आदि बातों का त्याग करना, सम्यक वाकवाणी, असत्य चुगलखोरी, कठोरता और अनर्गल बातें न करना, चौथा सम्यक कर्म, सजीव की हत्या, चोरी और दुराचार से दूर रहना, पांचवा सम्यक जीविका, अवैध अथवा अनुचित ढंग से आजीविका चलाने के बदले उचित ढंग से चलाना। ठीक है, ये उनके अष्टांगिक मार्ग थे। इसके आगे और है व्यायाम। व्यायाम का अर्थ न करना है, कर्म उत्पन्न नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उसका त्याग करे। इसी तरह अच्छे कर्म उत्पन्न होने चाहिए। अच्छे कर्म उत्पन्न होने पर उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति, मन एकाग्र करके लोभ आदि विकारों को दूर करना, इसी भांति अपने चित्त आदि को उचित पद्धति से समझ लेना। सम्यक समाधि, एकाग्रता से ध्यान का अनुभव करना। अब हम देखेंगे उपदेश के सार। गौतम बुद्ध ने मानव की स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ण आदि के आधार मान्य विषमता को नकारा। जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं बन जाता, अपितु उसका श्रेष्ठत्व, उसका कनिष्ठत्व उसके आचरण के आधार पर सिद्ध होता है। नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है, उसका यह कथन विख्यात है और स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय में उनके चिंतन को दर्शाता है। उन्होंने उपदेश किया कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। यज्ञ जैसे कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञाशील आदि मूल्यों का उपदेश किया जो मानव का कल्याण साध्य करते हैं। सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा उनके व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। गौतम बुद्ध ने जिन सहिष्णुता
का उपदेश किया। वह सहिष्णुता न केवल भारतीय समाज की अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, ये जो सबसे हमने देखा होगा हमारे पृथ्वी में सबसे बड़ा धर्म यानी बुद्ध धर्म यानी को माना जाता है, क्योंकि इनके जो उपदेश थे पूरे विश्व भर में क्या थे, प्रसिद्ध थे, और अभी भी पूरे विश्व में इनकी जो विचार थे उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। लोकायत, प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अथवा चावार्क नामक शन भी महत्वपूर्ण है। इस दर्शन ने भारत के विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचारों अथवा दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते रहे। कालांतर में जू, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए। ठीक है, प्राचीन काल में जो प्रचलित लोकायत अथवा चावार्क नामक दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दर्शन में स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और जो वेद थे उनकी जो उनको महत्व था, उनकी जो प्रामाणिकता था, उनको नकारा था। धीरे धीरे भारत की जो भूमि में है नए नए धार्मिक विचारों और दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते गए। कालांतर में धीरे धीरे नए नए धर्म का के महान व्यक्ति उपदेश देने धरती पे आए और उन्होंने अपने धर्मों की का प्रचार किया। और ये जो धर्म थे हमारे भारतीय समाज में क्या हो गए, घुल मिल गए। जू धर्म यानी यहूदी धर्म। जू धर्म के लोग लगभग ईसवी सन पहली से तीसरी शताब्दी के बीच केरल के कोचीन में आए होंगे। जू धर्म यहूदी धर्म भी कहा जाता है। जू धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। जू धर्म न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देना, अच्छा बोलना और स्वाभिमान जैसे गुणों की सीख देता है। उनके प्रार्थना स्थानों को सीने गौक कहते हैं। ठीक है, यहूदी धर्म आपको पता है ये जो समुद्री तट होता है, जैसे केरल गोवा का जो समुद्री तट में आपको देखा होगा यहूदी, ठीक है, ये आए थे। और इनके जो धर्म हैं न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देना, अच्छा बोलना, स्वाभिमान जैसे गुण की हमें सीख देता है। और ये लोग क्या करते थे, प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते थे। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।